तो आज इस गेमिंग थंबनेल के ऊपर ट्यूटोरियल होने वाला है जिसको आप PicsArt से आसानी से बना सकते हो। ओके, तो पहले इंट्रो लगा देते हैं, उसके बाद बाकी भी रिस्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को आसान तरीके से PicsArt से अपना गेमिंग थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अच्छे से देखते रहिए। मैं स्टेप आप लोगों को दिखाने वाला और सिखाने वाला हूँ। तो बाकी का मौका मोबाइल स्क्रीन पर, तो चलिए। और मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर कोई नया भाई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना और लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए मोबाइल स्क्रीन पर। फिलहाल आ गए हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, तो हम सबसे पहले अपना PicsArt ऐप ओपन करेंगे। ओके, आप लोगों का अगर PicsArt का वो वाला लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से मैं प्लस साइकिल में क्लिक करता हूँ, इधर फोटो में नहीं जाऊँगा, यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा। ओके, ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों मैं बता रहा हूँ, तो टूल्स में क्लिक करेंगे, इसके बाद क्रॉप में क्लिक करके आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो 6:9 वाला जो रेशियो होता है उसको ले लेंगे। ओके, तो ये थंबनेल का रेशियो है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल पर। ओके, ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, सेम कलर लेंगे, सेम कलर लेने के बाद यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करके यहाँ से आप सर्कल सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिल कर दीजिएगा। ओके, फिल करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाए, तो यहाँ से राउंड करेंगे और थोड़ा जूम करेंगे, इस तरीके से करने के बाद इसको साइड में कुछ इस तरीके से रख देंगे, यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। ओके, राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से जाएंगे स्टिकर पर, स्टिकर में जाने के बाद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से लिखेंगे पबजी करके। ओके, सर्च करने के बाद आप यहाँ से पबजी, फ्री फायर, कुछ इस तरीके से सर्च करके कोई भी कैरेक्टर ले लीजिएगा। तो सामने जो वाला कैरेक्टर, इस वाला कैरेक्टर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, इसके बाद इसे कुछ इस तरीके से करेंगे, करने के बाद साइड में रखेंगे, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, साइड में रख के थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इस तरीके से साइड में रख के उसका जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग में जाके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ओपेसिटी जो है उसको थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि जब ओपेसिटी में जाएंगे थोड़ा इस तरीके से कम कर देंगे। ओके, कम करने के बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे, फिर इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद ब्लेंडिंग में जाएंगे और उसको नॉर्मल कर देंगे। ओके, नॉर्मल करने के बाद ओपेसिटी उसको फुल कर देंगे, फुल करके कुछ इस तरीके से छोटा करेंगे। ओके, छोटा करने के बाद उस इस तरीके से यहाँ से लगा देंगे, उसके बाद शेडो पर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से अपने मुताबिक शेडो दे दीजिएगा, देने के बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आप क्या करेंगे। ओके, उसके बाद फिर से प्लस स्टिकर में क्लिक कीजिएगा, स्टिकर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टार करके। ओके, स्टार लिखने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा, तो आप इस वाले पेन को ले लीजिएगा, लेने के बाद इस तरीके से फुल कर दीजिएगा, एक मिनट में पहले फुल कर देता हूँ, फुल करने के बाद इसको स्क्रीन कर दीजिएगा। ओके, स्क्रीन करने में कुछ इस तरीके से रख दीजिएगा, रखने के बाद यहाँ से इरेज में क्लिक कीजिएगा और अपने बॉडी के ऊपर से जो जो पार्ट आ रहा है इसको इरेज कर दीजिएगा। तो मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, इरेज करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर, फिर से यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों का लगभग थंबनेल रेडी हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से स्टिकर में जाएंगे, एक मिनट तक सॉरी, फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप अपना कोई भी टाइटल देना चाहते हो तो वो टाइटल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को टूटल सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे मेक दिस थंबनेल। ओके, मेक दिस थंबनेल लिखने के कुछ इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पे भी हम जाके थोड़ा सेम कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फॉन्ट पर, फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को बता दो, अगर PicsArt में कैसे कस्टम फॉन्ट इंस्टॉल करते हैं आप लोगों अगर चाहिए तो यूट्यूब में ढेर सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वाले वीडियो में कस्टम फॉन्ट कैसे ऐड करते आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। ओके, तो मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल चूज करता हूँ यहाँ से, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट करने का आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो उस तरह से बड़ा करेंगे, एक मिनट, इस तरीके से करेंगे। करने के बाद उसका क्या करेंगे, हम ऑपोसिटी में जाएंगे, ऑपोसिटी में जाने के उसका ऑपोसिट थोड़ा इस तरीके से रख देंगे। ओके, रखने के बाद हमने जो कॉपी किया था उसको ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे, उस तरीके से रख देंगे। ओके, रखने के बाद एक PNG का लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा, उस PNG को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं PNG को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके का शेडो वाला PNG आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, इस तरीके से लगाने के बाद मूव डाउन कर दीजिएगा। ओके, मूव डाउन करके कुछ इस तरीके से कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से कर दीजिएगा, तो आपका थंबनेल रेडी हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर से प्लस स्टिकर में क्लिक कीजिएगा, स्टिकर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा लाइट करके। ओके, लिखने के बाद कुछ इस तरीके PNG आएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने के बाद एडजस्ट में जाइएगा, उसका जो सेचुरेशन है उसको फुल डाउन कर दीजिएगा। ओके, डाउन करने के बाद आप लोग मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से ब्लेंडिंग में जाएंगे, उसको स्क्रीन कर देंगे। ओके, स्क्रीन करने के बाद उस तरीके से फुल कर देंगे, फुल करके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका थंबनेल एकदम से रेडी हो गया, तो आपका गेमिंग थंबनेल रेडी हो गया। तो आप कुछ इस तरीके से अपना गेमिंग थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं अपने PicsArt पर, या फिर
फ्री फायर हो, पबजी हो, सीओडी हो, तो आप कोई भी तरह का जो गेम है कुछ इस तरीके से आप अपना थंबनेल रेडी कर सकते हो, वो भी पिक्सआर्ट से। तो बहुत इजी ट्रिक आप लोगों को बताया है, तो इस तरीके से इजी ट्रिक से आप अपना थंबनेल बना सकते हो। तो आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर कोई नया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतने मिलते अगले वीडियो पे, तो